हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू सोलो कॉन्करर रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो। तो आज की गेम प्ले में दो गेम प्ले होने वाले हैं, और फर्स्ट वाला तो शायद से चिकन नहीं हो पाता है एंड सेकंड वाले में चिकन होगा। सो एंजॉय करो, और काफ़ी इंटेंस फाइट होने वाला है आज के इस गेम प्ले में। अब यार, यहाँ पे मैं इतना घुमा इवेंट में, उधर थी एक गन नहीं मिली, मिली तो भी कार राइंटेड मिली, और सामने वाले को एक फटका पड़ा भी बट वो किल नहीं हुआ। और फिर मैं यहाँ पे उधर गया दूर वाले इवेंट में। अब ये ना इवेंट स्टार्ट होने में टाइम था, यहाँ पे एक बंदा गाड़ी लेके आ गया था, उसकी बग्गी का साउंड आ गया था और उसने मुझे स्पॉट भी कर लिया था। तो मैंने डिसाइड किया कि क्लोज इन करके इसको मारेंगे। बग्गी लिया मैंने और डायरेक्टली उस पर दे दिया स्लैम। तो ये बंदा ऐसे भागने का ट्राई कर रहा था, और मैंने यहाँ पे लूट वीट किया, कोई आया नहीं था यहाँ पे और बंदा। मैं आ गया दूसरे इवेंट में। अब यहाँ पे ना एक बंदा निकल रहा था यहाँ से जस्ट, और उसको गाड़ी से उतार दिया। अब मुझे लगा शायद से ये बंदा रुक सकता है सामने, बट ये रुका नहीं। तो मैं निकल गया सेंटर की तरफ, स्कूल में गाड़ी लगा था सामने, और डायरेक्टली स्लैम दे दिया। बंदा था मेन बिल्डिंग के साइड वाले घर में। आई एम गांजा नाम था इस बंदे का, और ये गांजा भाई तो भाई MK और ग्रोजा लेके पता नहीं हवा में से कहीं से तो उड़ के आया था। मुझे लगा वही बंदा रिकॉल होके आया था जिसको मैंने मारा, बट ये तो कोई और ही था। तो अब सर्कल यहाँ पे हो चुका था छोटा, और ये जो सामने स्क्वाडोज है ना, वहाँ पे एक बंदा तो था, और ऊपर से एक जो ड्रॉप गिरा राइट में, वहाँ पे अभी एक बग्गी गया था।
तो ये पीछे वाला ना हार्ट अटैक दे दिया, कसम से मार सकता था मेरे को इजीली, बट उसने शायद से मुझे स्पॉट किया नहीं था। और ये सामने वाला तो भाई पीक लेने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको पता था मेरे पास AWM है और मुझे भी उसको AWM से ही मारना था। बट फिर मैं थोड़ा होल्ड किया और उसने पीक नहीं किया ना, तो मैं डायरेक्टली उस पर कर दिया स्लैम। अब यहाँ पे देखो AKM वाले का किलफिड आया था, और वो AKM वाला होता है ना कब से लॉबी खाली करे जा रहा था। अब ये जो मुझे गोलियां पड़ रही थी ना, वो दूर से ही पड़ रही थी, और वो AKM वाला ही मार रहा था AKM पे 6-6 लगा के इतना दूर से भाई, लिटरली पेड़ों के आर पार। अब मुझे यहाँ पे बस वो बंदा TVP से देख रहा था, दिख रहा था टॉप एंगल से, और जैसे मैं स्कोप खोला मुझे तो दिखा नहीं, और लेकिन उसको मैं स्पॉट हो गया पता नहीं कैसे। तो आते अपने दूसरे गेम प्ले की तरफ, डेथ रिप्ले देख लेते हैं, और दूसरा गेम प्ले होने वाला है चिकन का।
अब ये भाई साहब लिटरली कार रेंटेड से क्लोज में मार के मॉन्टेज क्रिएट करने का ट्राई कर रहा था। अब देखो जैसे ही इसको मारा मेरे को एक लेफ्ट से ना साउंड आ चुका था सामने ऊपर की साइड में छत पे, और मतलब पूरा एकदम श्योर नहीं था मैं कि बंदा कहाँ बैठा होगा, मतलब छत पे था इतना तो पता है। और अब देखना वो डैमेज देके मेरे पे कर देता है पुश। अब थोड़े टाइम के लिए मुझे लगा कि ख़त्म, यहाँ पे मेरा रिकॉल वेस्ट हो जाएगा, बट लकीली कैसे तो मैंने मार दिया उसको। अबे चाइनीज वाला तो हैकर ही बोलेगा क्या स्प्रे दिया इसको आयरन साइड से। और जोन तो पूरा नो होगा, मैं चला गया नो के सेंटर ये वाली बिल्डिंग में। अब यहाँ से ना ब्रिज से सारे बंदे आते ही जा रहे थे और मैं सबको मारते ही जा रहा था। अगर मैं यहाँ पे ब्रिज कैम कर रहा रहता ना तो ये बग्गे वाला पक्का उतर जाता मेरे स्प्रे से। तो मैंने डिसाइड किया ब्रिज कैम करूँगा। तो यहाँ पे जोन भी आ रहा था तो कोई आया नहीं, और जैसे पीछे देखा एक बंदा जोन के बाहर से डांसिंग लाइन यूज़ करके आ रहा था, और इसको मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के मारने वाला हूँ। अब देखो बस तो जैसे ही जोन में आया ये कंपाउंड खाली था, लकीली यहाँ पे कोई नहीं था। और यहाँ पे शायद से वो मतलब गाड़ी तो था बट बनना नहीं था, वो बनने का ना क्रेट बन रखा था ऑलरेडी ओपन में, और उस बंदे की क्रेट से मुझे मिल गई, मतलब मैंने स्मोक वगैरह करके लूट लिया था, उस बंदे की क्रेट से मिल गई थी MK और AWM। अब देखो यहाँ से स्नाइपर शॉट्स और चिकन कैसे निकालते हैं वो भी देखो।
तो फाइनली चिकन हो चुका है। और पता है ये गेम प्ले कल का है हा? और आज ये आईडी हो चुका है बैन एक दिन के लिए। बताओ मतलब भाई, और टीम अप का बैन दिया है भाई, मतलब मैं टीम अप कहाँ कर रहा हूँ, जो भी गेम प्ले कर रहा है। क्या हो क्या गया है पबजी को, लाइक बीजीएमआई की तरह बिना वजह का बैन देने लगा इस गेम में भी। अब देखते हैं कौन सी आईडी में खेलेंगे। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।